दोस्तों, क्या कभी आपको भी किसी ने बताया कि सिलेंडर में जुराब पहनाते ही बहुत ही अच्छा कमाल होता है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपको किसी ने बताया है कि पुराने जुराब को फेंकना नहीं है, पुराने जुराब को सिलेंडर खाली होते ही इस तरीके से सिलेंडर में पहनाना? किसी ने नहीं बताया तो हम चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सभी के घरों में गैस पर ही खाना बनता है। आजकल कौन चूल्हा पर बनाता है, सभी लोग गैस पर बनाते हैं। होता क्या है कि जब हम जहां पर सिलेंडर रख देते हैं, ऐसे डायरेक्ट रख देते हैं, तो नीचे निशान पड़ जाता है। वो निशान जल्दी छूटता नहीं है, वो बहुत जिद्दी निशान होता है। टाइल्स पर होता है तो उस पर बहुत ही ज्यादा समझ में आता है, फर्श पर तो कम समझ में आता है। तो इस निशान को कैसे हटाया जाए, आज हम आपको एक जुराब की मदद से निशान को हटाना बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब सिलेंडर रखा रहता है तो नीचे थोड़ी बहुत कचड़ा हो जाती है, जिसे साफ करना होता है, जिसे बीच बीच में साफ करना होता है। तो हम इसे हाथों से ऐसे हटा दे रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मोर्चे वाला यानी कि सिलेंडर वाला थोड़ा थोड़ा निशान पड़ गया है, क्योंकि हम यहाँ पर डेली सफाई करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा निशान नहीं पड़ने पाता है। टाइल्स पर होता है तो यही निशान बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है, और जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। इसे आज हम साफ करेंगे चुटकियों में। कैसे साफ करना है, जैसे साफ करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको लेना है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, थोड़ा सा सोडा। इस पर इस तरीके से गोल गोल जहाँ पर ये निशान है वहां पर गिरा देना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको लेना है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर भी बहुत ही कमाल का ये होता है, ये भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। इस तरीके से चारों तरफ गिरा देना है जहां पर निशान हो। और उसके बाद आपको लेना है व्हाइट विनेगर। अगर आपके पास ब्लैक विनेगर है तो आप ब्लैक विनेगर ले सकते हैं, नहीं तो व्हाइट विनेगर काम करेगा अच्छा है। इस तरीके से थोड़ा सा विनेगर भी इस पर गिरा देना है। अब उसके बाद आपको लास्ट में क्या काम करना है वो हम आपको बताते हैं। लास्ट में आपको लेना है एक मोजा और एक कंघी, और मोजे में कंघी को डाल देना है, और उसके बाद इस पर थोड़ा सा पानी गिराना है। इस पर आप चाहे तो केचप भी डाल सकते हैं, टमाटो वाला जो सभी के किचन में रखा रहता है। इस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और उसके बाद आप ये जो कंघी इसमें डाले हैं, जिस पर दांती वाला जिस तरफ से बाल झाला जाता है उस तरफ से इस तरीके से इसे साफ कर लीजिए। मोजे की मदद से बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर पाएंगे। आप चाहे तो मोजे में कंघी की जगह अपने हाथ को पहना, हाथ में मोजे को पहन करके अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप टाइल्स पर भी सफाई कर सकते हैं इस एक मोजे की मदद से। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।